अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने अपनी एलएलसीज खोली हुई हैं और अमेजोन के अकाउंट्स बनाए हुए हैं और आप में से काफी सारे लोगों ने ये प्लान किया हुआ है कि हम E2 वीजा लेंगे 2 साल या 3 साल के बाद। यहां पर आके मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अमेजोन का बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि हम E2 लेके माइग्रेट करेंगे फ्यूचर में। इसकी राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो अब आप लोग सुन लें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि E2 वीजा लेने के लिए आपकी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए उस LLC की। अगर वो LLC आप ओन करते हैं और 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वो बिजनेस आपका $3,000-5,000 मंथली प्रॉफिट बना रहा है और आप उसको कहते हैं कि जी मैं ऑलरेडी इस LLC को ओन करता हूं और मैं अब अमेरिका E2 वीजा लेके आना चाहता हूं, तो इमिग्रेशन ये कहता है कि आप क्यों आना चाहते हैं अमेरिका। 3 साल से तो आप इस बिजनेस को खुद ही चला रहे थे, पाकिस्तान से बैठ के चला रहे थे, अब आप यहां आके क्या कर लेंगे? तो बहुत डिफिकल्ट केस हो जाएगा। इसका आसान तरीका यह है कि जब आप लोग LLC बनाते हैं तो आप उससे अपने दोस्त के नाम पर ही रहने दें। आपका दोस्त उसको ओन करेगा, वो ही उसका ओनर है, टेक्निकली वो बिजनेस कर रहा है, सालाना टैक्सेस पे कर रहे हैं। 2-3 साल के बाद $8,000-10,000 पर मंथ आपका लेट से प्रॉफिट होना शुरू हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आपने इमिग्रेशन को बताया कि जी मैं ये बिजनेस खरीदने जा रहा हूं। टेक्निकली आप उसे प्रॉक्सी में चला रहे थे, अब आप उसको खरीदने जा रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आपने उनको सबूत दिया कि ये देखें मैंने न्यू मनी ट्रांसफर की है। दे वॉन्ट टू सी न्यू मनी, नॉट ओल्ड मनी। वो चाहते हैं कि आप आए, नया पैसा लेकर आए हमारे मुल्क में। तो अब आप उनको बताएंगे कि ये देखें जी ये मेरा न्यू मनी है जो मैं लेकर आ रहा हूं और मैंने पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफर किए हैं, वायर करके अपने बैंक अकाउंट में पहुंचाए हैं और ये मेरा US की एक LLC है जो इस LLC को खरीदने जा रही है। तो आपने एक और LLC खड़ी की जो वाकई आप ही ओन करते हैं, 100% आपकी ओनरशिप में है और आपने कहा कि मैं पाकिस्तान से $1,25,000 इस LLC में ट्रांसफर कर चुका हूं और ये वाली कंपनी इस Amazon के e-commerce स्टोर को खरीदने जा रही है। नाउ दैट मेक मोर सेंस। ये है आसान तरीका और आसानी से आप एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो आप विजिट वीजे पे चले जाते हैं अमेरिका, फिर तो बहुत फास्ट है, बहुत आसान है, विद इन वीक्स आप E2 वीजा ले सकते हैं। $70,000-80,000-$1,00,000 का आपने कहा कि मेरे बिजनेस ने, मेरी LLC ने इन भाई साहब का बिजनेस खरीद लिया है, आपके वो दोस्त हैं बेसिकली, ठीक है। पाकिस्तान से करेंगे, अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू करेंगे, 1.5 साल इंटरव्यू की बारी आएगी, फिर वो कहते हैं 1.5 लाख दिखाएं, 2 लाख दिखाएं, एम्बेसी वाले बहुत तंग करेंगे आपको। तो जो लोग B1 B2 के पर फ्लाई करके जा सकते हैं उनके लिए ज्यादा आसान है। अच्छा, अब आके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जाएं E2 पे या ना जाएं, उसके लिए आप लोग सबसे पहले मेरी वो वीडियो देख लें, sunnyali.com/ZZZ1, जन जर जमीन, 1.5 घंटे का पूरा सेशन है, तसल्ली के साथ देखें, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि बाहर जाएं तो क्यों जाएं, बाहर ना जाएं तो क्यों ना जाएं। सारी लॉजिकली आपको समझना होगा कि हम बाहर क्यों जाएं। मुझसे अगर एक 27 साल का बच्चा ये पूछेगा जी मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, मेरी शादी होने वाली है, मेरे बच्चे होने वाले हैं और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आप जरूर जाएं, E2 ले सकते हैं, बिल्कुल लें, जाएं अमेरिका, जाएं रहें, बच्चे पैदा करें और सारे बच्चे आपके अमेरिकन सिटीजन होंगे। लेकिन अगर एक बाबा मेरे पास आए 40 साल का और वो बोले जी मेरे तो जितने होने थे हो गए, अब तो मेरे मजीद के कोई चांस नहीं रहा, अब मैं जाऊंगा ना जाऊंगा, बोलूंगा क्यों जाना चाहते हैं आप, सस्ती जमीन पर कमाएं, मजे करें, मलेशिया चले जाएं, तुर्की चले जाएं, सस्ती जमीन पर रहें, आपके $5,000-8,000 जो भी बन रहा है महीने का आप उसको सस्ते मुल्क में यूज करें। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड लॉजिक। वो ये कहते हैं नहीं मैं मेरे बच्चे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी और भी इनकम्स हैं, मैं $7,000-8,000 पर मंथ का, क्योंकि देखें $7,000-8,000 आप अमेरिका में कमा रहे हैं और अमेरिका में रह रहे हैं तो आपका एक अच्छी लाइफ है, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के अगर आप 7-8 हजार कमा रहे हैं या मलेशिया से कमा रहे हैं या टर्की से कमा रहे हैं तो वो अच्छी खासी सेविंग्स हैं आपके पास, आप $2,500-2,500 खर्च कर दें, $5,000-6,000 सेव कर लें महीने का, साल के एंड पे बैंक अकाउंट खोलेंगे तो $50,000 सेविंग में नजर आएगा आपको,
5 साल के बाद $2.5 लाख $3 लाख आपके पास पड़ा होगा। अमेरिका में रहते हुए पॉसिबल नहीं है, आप हैंड टू माउथ हो जाएंगे, बच्चे कॉलेज जाना शुरू हो जाएंगे, उनके कॉलेज के खर्चे शुरू हो जाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चे शुरू हो जाएंगे, बच्चे छोटे हैं प्राइवेट स्कूल के खर्चे शुरू हो जाएंगे, मदरसा की क्लासेस के खर्चे शुरू हो जाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चे शुरू हो जाएंगे, मर्जी आपकी। आप कहते हैं नहीं मेरे बच्चों के पासपोर्ट्स हो जाएं, फ्यूचर में हो जाएं, 10-10 साल के बाद सबके हो जाएंगे। आज आप अमेरिका लेके जाएं उनको, 10 साल के बाद हर बच्चे का पासपोर्ट होगा, हर बच्चा कहने के फिट हो चुका होगा, वर्क परमिट लेके बैठा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई यूनिवर्सिटी पढ़ के फारिग हो चुका होगा, आपकी मर्जी। लेकिन मुझसे पूछें, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा 40-45 की उम्र में, जब बच्चे जो होने थे हो गए उसके बाद अमेरिका जाना मैं सजेस्ट नहीं करता, आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिक ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया, हमने जो करना था कर लिया अमेरिका में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, अब हम वापसी की सोच रहे हैं, क्या हम वापस जाएं या ना जाएं। यहां पर आके मुझे उनसे सवाल करना पड़ता है, पहले क्या इनकम है आपकी ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या इंग्लैंड में। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैं इंग्लैंड में रहता हूं, मेरी £5,000 इनकम है, £4,000 इनकम है। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे, आप कितना इसमें से लगा देते हैं अपने लाइफस्टाइल के, वो कितना बचाते हैं। अगर आप मुझे कहते हैं नहीं बचता तो कुछ भी नहीं, मैं £400-500 बड़ी मुश्किल से बच जाता है, बाकी £3,500 मैं खर्च कर देता हूं, बच्चे हैं, फैमिली है, लाइफ मेरी चल रही है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है पाकिस्तान में आपका इनकम पोटेंशियल क्या है। आप कहते हैं जी मैं अमेजोन का यही बिजनेस खड़ा करने जा रहा हूं और मैं वहां पे उम्मीद करता हूं कि £3,000 बना लूंगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड में £500 बचा रहे हैं, पाकिस्तान में कितने पाउंड बचाएंगे। अगर आपने कहा ना पाकिस्तान में ज्यादा बचेंगे तो फिर आप पाकिस्तान ही चले जाए, फिर तो लाइफस्टाइल का फर्क आ गया ना यहां पर। अच्छा, अब मुझसे एक शख्स कहता है जी मैं दुबई में रहता हूं, मैं 20,000 दिरहम कमाता हूं, $5,000 बनता है, सेविंग्स कितनी करते हैं आप। नहीं सनी भाई सेविंग्स तो नहीं होती है। अच्छा, आप में और फिर पाकिस्तान वाले में फर्क क्या है। एक शख्स पाकिस्तान में $2,000 बनाता है, 1,000 खर्च कर देता है, 1,000 बचा लेता है, साल के अंदर $12,000 उसके बैंक अकाउंट में है। आप दुबई में रहते हैं, $5,000 बनाते हैं, $5,000 खर्च करते हैं, साल के एंड में 1 सेंट नहीं बचाते। अब आप बताएं बेहतर कौन है, पाकिस्तान वाला दुबई वाला। पाकिस्तान वाला बचा रहा है, $12,000 साल का बच रहा है, साल की सेविंग्स हो रही हैं, 10 साल में वो चलो $1.25-1.5 लाख कुछ तो बचाएगा। आप तो दुबई में सारी जिंदगी गुजार देंगे, आप बचा नहीं रहे। तो आपने अगर ये कैलकुलेट करना है कि मैं पाकिस्तान जाऊं या ना जाऊं, तो पहले ये कैलकुलेट करें पैसे बचते हैं या नहीं बचते। अगर तो बचते हैं तो कितने बच रहे हैं। अच्छा चलें, ऑस्ट्रेलिया से मुझे किसी ने कहा जी मैं पाकिस्तान जाऊं या ना जाऊं, पासपोर्ट मेरा हो गया है, सब कुछ सेट है। वही सवाल, कितने बनाते हैं कितने बचाते हैं। जी मैं $2,000-3,000 महीने का सेव कर रहा हूं, हर महीने बचाता हूं और साल के एंड में $30,000-35,000 बचा लेता हूं। तो भाई क्यों जाना चाहते हैं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में ही रहे फिर $30,000-35,000 बच तो रहे। अगर आप समझते हैं पाकिस्तान में रह के $30,000-35,000 मेरे बच जाएंगे तो फिर पाकिस्तान चले जाएं। हमने ये देखना होता है कि सेविंग्स कहां पर हो रही हैं। अगर तो सेविंग्स हो रही है तो कर लें, आप मत मूव करें, लेकिन अगर सेविंग्स नहीं होती तो फिर मूव कर जाएं। देखना यह कि पाकिस्तान में सेविंग ज्यादा होगी या ऑस्ट्रेलिया में होगी, जहां होगी वहां चले जाएं। लाइफस्टाइल की कुर्बानी होगी यहां पर, उसके लिए अब आप मलेशिया चले जाएं, टर्की चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, अप टू यू। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो जो लोग E2 करना चाहते हैं वो इसको जहन में रख लें कि मैं वहां पे अपने नाम पे नहीं करूंगा, दोस्त के नाम पे करूंगा, दोस्त 3 साल के बाद दोस्त से खरीद लूंगा। वो जो खरीदने का जो प्रोसेस है उसमें मिलेगा E2 आपको। आप न्यू मनी दिखाएंगे पाकिस्तान से, अपनी कॉरपोरेशन में ट्रांसफर की, अपनी कॉरपोरेशन से दोस्त के बिजनेस को परचेज किया आपने, इस बात पे आपको E2 मिल जाएगा। तो जो लोग Amazon के अकाउंट बना रहे हैं, LLCs बना रहे हैं, अगर तो E2 का प्लान है तो अपने नाम पे नहीं करें, दोस्त के नाम पे करें। ठीक है।